Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and aaj hum discuss karenge chapter number 9 of class 6 science ncrt. The chapter name is electricity and circuits. Is chapter mein hum electricity ke concept ko samjhenge aur usse related jo information hai regarding the open circuit and closed circuit usko samjhenge. Okay, to start karte hain with the first paragraph and what is written here. We use electricity for many purposes to make our daily task. जैसे कि हम daily purposes के लिए electricity को use करते हैं. जो student rural areas में रह रहे हैं उनको पता होता है कि well से जो कुएं से हम पानी निकालते हैं तो उसको operate हम एक pump के ज़रिए करते हैं, ठीक है, और वो pump को चाहिए होती है electricity. उसी के साथ साथ जो urban areas के student हैं वो जानते हैं कि जो उनकी roof top पर जो tank रखा होता है उसमें जब पानी जाता है, ग्राउंड से जो पानी जाता है उसमें एक मोटर का यूज़ करते हैं और उस मोटर से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी. तो इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है. ओके, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन में कि लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म होती है. उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, ये भी एनर्जी की ही फॉर्म है. ओके, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं डिफरेंट तरीके से. जैसे सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है. इसके क्या फंक्शन है ये अभी हम पढ़ेंगे. तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, डज योर लिस्ट इंक्लूड, क्या करना था, व्हाट आर अदर पर्पसेस. आपको अदर पर्पसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में और उनको इंक्लूड करना है जो आपके डेली यूज़ के पर्पसेस है कि आपको किस तरीके से लाइट मिल रही है. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, हमारे घरों में लाइट्स आती है, रोड्स पर जो स्ट्रीट लाइट है, ऑफिस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट, जब रात में सनसेट हो जाता है तो उसके बाद जब हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से ही लेते हैं. तो हम अपने रात के जो कामों को कंटिन्यू कर पाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर पाते हैं. एक पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो रोड्स पर कुछ वायर्स लगे होते हैं, ये पावर स्टेशंस से जुड़े होते हैं. एक बड़ा सा पावर स्टेशन होता है, वहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे खंभे होते हैं, ठीक है, और उनसे ये वायर्स जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये वायर्स कम्प्लीटली पूरे सिटी को, पूरे रीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कभी कभी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, कुछ एरियाज़ में नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पे टॉर्च का यूज़ होता है. शायद आपने देखी होगी टॉर्च, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है टॉर्च का, ठीक है. इस टॉर्च के अंदर सेल होते हैं और यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, इस तरीके से दो सेल होते हैं और जब इस स्विच को हम दबाते हैं तो लाइट जलने लगती है. यहाँ पर उसके बल्ब होता है, ठीक है. टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन, जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे. तो इस टॉर्च तो ये किसी वायर से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी तो हम वायर की बात कर रहे थे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च में कैसा है ये हमें समझना है. बेसिकली टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिक सेल हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. उन इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ केमिकल स्टोर होते हैं. क्या स्टोर होते हैं? केमिकल. और वो केमिकल क्या करते हैं? वो केमिकल आपके केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, जिसी तरीके से लाइट एक एनर्जी है. तो बेसिकली क्या होता है, जितनी भी एनर्जी होती है वो कभी भी यूज्ड अप नहीं होती, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती. ये एक लो होता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे जो आपका ये सेल है ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. अब एक इलेक्ट्रिक सेल को समझेंगे क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. और इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे? अलार्म क्लॉक्स में आप देखेंगे, रिस्ट वॉचेस में आपको मिलेंगे, ट्रांजिस्टर रेडियोज के यहाँ पर, इन सब डिवाइसेज. इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेज हैं आप घर में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सेल मिलेंगे. इन इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, अंदर इनके केमिकल भरा होता है, यहाँ पे एक मेटल का कैप होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये यहाँ पे नीचे बेस लाइन पर नेगेटिव टर्मिनल होता है. ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इन्हीं का सारा फंक्शन है जब हम सर्किट के बारे में बात करेंगे. तो मेटल कैप वाली साइड पर कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव. और जो मेटल की डिस्क होती है नीचे, यहाँ पर होता है नेगेटिव टर्मिनल. ओके, ऑल द इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बहुत क्वेश्चन देना है इस बारे में कि जहाँ पर भी यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन द पोल्स, जो पोल्स पर डेंजर साइन डिस्प्ले होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है. जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक डिवाइस को, उनसे आपको सीवियर इंजरी हो सकती है, इवन समटाइम्स डेथ भी हो सकती है. तो आपको बहुत ध्यान से उनका यूज़ करना है. और इवन आप लोगों को तो यूज़ ही नहीं करना, किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो. अब हम इलेक्ट्रिक सेल के डेफिनेशन याद कर लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक सेल
provides electricity to different devices that are not fed directly by the supply of electricity. ऐसी जितनी भी devices जो directly electricity से की supply जिनमें नहीं आती, उन सबको जो light provide करता है वो electric cell provide करता है. क्या function होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना. अच्छा चलिए देखते हैं, जो हमारी टॉर्च थी उसका जो बल्ब था, उस बल्ब का जो आउटर पार्ट होता है, ये आउटर केस, ये होता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है. और इसके अंदर होता है फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है, यही फिलामेंट बर्न करता है जब आपको लाइट मिलती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिलामेंट्स के अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं. ये ग्लास का बल्ब हुआ, यहाँ पर गैस फिल होती है, ठीक है. ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ये सपोर्टिंग वायर्स होते हैं इसके अलावा, ओके. ठीक है, ये जो नीचे वाली बेस लाइन है ये टर्मिनल होता है. तो जो मेटालिक बेस आपका, ये टर्मिनल, और जो आउटर केस हो गया ग्लास, ठीक है. यहाँ पे आउटर केस ग्लास का बना होता है और जहाँ पे ये फिक्स होता है वो एक मेटालिक बेस होता है. चलिए ठीक है, अब हम फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. हमारी सबसे पहली एक्टिविटी क्या है यहाँ पर, आपको क्या करना है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. एक टॉर्च लेनी है, उसके बल्ब के अंदर आपको देखना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अपने टीचर की हेल्प नहीं, खुद से कुछ नहीं करने बैठना है. व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. जो ग्लास का बल्ब है उसमें कुछ थिन वायर्स मिले आपको, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था थिन वायर, ओके. ये थिन वायर क्या है? एक्चुअली ये थिन वायर होते हैं फिलामेंट, ओके. और इन ये कौन से फिलामेंट होते हैं? टंगस्टन के फिलामेंट. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब. द फिलामेंट इन फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स. ये दो बड़े थिक वायर से जुड़ा होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा था कि ये जो आपका फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, ये सपोर्टिंग वायर से जुड़ा है. यहाँ पे ये दो सपोर्टिंग वायर हैं, ठीक है. उसके बाद जो नीचे का वायर होता है, ये होता है लेड वायर्स, ओके. नेक्स्ट, एज शोन इन द फिगर, वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एज द बेस ऑफ द बल्ब. द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस. या पिक्चर्स में कंप्लीटली देख सकते हैं. दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. ये दोनों के दोनों जो पिक्चर्स है, ये इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि ये एक दूसरे को से जुड़ती नहीं, एक दूसरे से आके मिलती नहीं, अलग अलग होते हैं दोनों वायर, ओके. द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन. और हमारे घर पे जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं उनमें भी यही सिमिलर डिज़ाइन होता है, ओके. नेक्स्ट, बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच. हर एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं. अब देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, वाई डू दे हैव टू टर्मिनल, दो ही टर्मिनल क्यों होते हैं? एक्चुअली ये दो टर्मिनल होते हैं एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब एक सर्किट कंप्लीट होता है तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो बल्ब ग्लो कर पाता है बल्ब, अदरवाइज उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. अभी सर्किट क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे. उससे पहले हम देखते हैं, जब बल्ब कनेक्टेड होता है टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने क्या करना है. टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. आपको अलग अलग लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर्स ले लेने, एक ऐसा ले लेना, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, ठीक है. डिफरेंट कलर के आप ले लेना, ये मैंने यहाँ पे पूरा को पूरे आपको दिखाने के लिए रख दिया. उसमें आपने क्या करना है, रिमूव अ लिड ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड. यहाँ पे जिनके प्लास्टिक थे ना, ये मैंने हटा दिए यहाँ पे, ठीक है. अब आपको ये वायर्स दिख रहे होंगे निकले हुए, यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं. दिस वुड एक्सपोज द मेटल, ये मेटल दिख रहा है यहाँ पे निकला हुआ. अब क्या करना है, फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टू वायर्स टू द सेल एंड अदर टू पार्ट्स द बल्ब इज शोन. आपने क्या करना है, एक सेल ले लेना है, आपने आपकी जो क्लॉक होगी ना घर में उसका सेल निकाल लेना आप, ठीक है. मम्मा से डांट पड़ेगी, नो इशू, बट आप निकाल लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है. फिर ये वायर लेना, देखो वायर किसी भी लाइट के पार्ट से कनेक्टेड नहीं हो, ये एक्टिविटी ईजी है, आप कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ये जो टर्मिनल एंड था पॉजिटिव वाला, जो मेटल कैप है, यहाँ पे एक वायर लगाया इस तरीके से और दूसरा वायर यहाँ पे. इसको आप टेप से भी जोड़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक टेप होते हैं, और या फिर आपके पास जो रबर बैंड होता है उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं. अब आपने आगे क्या करना है, जो आपके पास एक बल्ब लेना और उस बल्ब का ये वाला पार्ट यहाँ पे एक से जोड़ना, ही जोड़ना. चार वायर बताए थे ना मैंने आपको, ये चारों के चारों वायर कंप्लीट हो गए. अब यहाँ आकर आपने इन चारों वायर को इस तरीके से जोड़ देना, एक यहाँ पर जोड़ा और एक यहाँ पर जोड़ा. अब ये क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने इसके निगेटिव एंड से जोड़ दिया और इसका निगेटिव एंड आपने इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ा. यहाँ पर क्या होता है, ये सर्किट कम्प्लीट हो जाता है, इस तरीके से बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा. लेकिन इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो निगेटिव एंड है ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया है. तो ये क्या हुआ, ये फ्यूज्ड है. एक्चुअली ये सर्किट कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है, तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसी तरीके से इन्होंने इस पिक्चर में किया, यहाँ पे तो जोड़ दिया है बट यहाँ नहीं जोड़ा, अभी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इसीलिए जब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप उसको डिफरेंट तरीके से करके देख सकते हैं, आप दो के दो वायर यहाँ पे जोड़ो तब भी ग्लो नहीं करेगा, दोनों अगर आपने ऊपर जोड़ दिए तब भी वो ग्लो नहीं करेगा। कब ग्लो करता है? जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से आके जुड़ता है, तब सर्किट कंप्लीट होता है, तब बल्ब ग्लो करता है। ओके, नाउ यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप। ये आपको मैंने बता दिया क्या क्या आपको करना है, उसके बाद आपको ये सारे करके देखते रहना है कहाँ पे जुड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बल्ब सिर्फ तभी ग्लो करेगा जब उससे करंट सर्किट से फ्लो होने लगे। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए एक का टर्मिनल निगेटिव और एक का पॉजिटिव एंड चाहिए होता है। इस तरीके से आपका सर्किट होता है और जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी बल्ब ग्लो करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली अगर हम इस एक्टिविटी में देखो, हमने सेकेंड एक्टिविटी की थी उसमें हमने क्या किया था, यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल ऑफ थ्रू द वायर पासिंग टू एंड फ्रो द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने एक सेल लिया था और सेल का जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो आपने बल्ब के दूसरे एंड से जोड़ दिया था, तो यहाँ पे आपने एक सर्किट बनाया था, इसीलिए आपका बल्ब ग्लो करने लगा था। इस तरीके का जो आपने अरेंजमेंट बताया उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उनमें इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट टू बी टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल। इसके पॉजिटिव से यहाँ पर दूसरे के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव था उसके इस निगेटिव से, तो करंट कहाँ फ्लो करता है? हमेशा एंड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये बल्ब कब ग्लो करा? जब आपका सर्किट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। अगर ये सेल से भी कनेक्टेड है तब भी ग्लो नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया, और फ्यूज़ होने का मतलब उसका जो फिलामेंट वायर है या अंदर कुछ उसके गड़बड़ हो गई है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मे फ्यूज ड्यू टू मेनी रीज़न। क्या के रीज़न हो सकते हैं? वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इट द ब्रेक इन द फिलामेंट। एक रीज़न ये होगा कि फिलामेंट टूट जाएगा। अब ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। अगर उसका फिलामेंट जो था ये जो टूट गया था, इससे क्या होगा? इससे उसका करंट पास नहीं होगा और वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट। जो फ्यूज बल्ब होता है वो लाइट नहीं करता, एंड नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, और उसके फिलामेंट से करंट पास नहीं करता। अब यहाँ पे हम देखेंगे, नाउ यू नो दैट हाउ टू मेक अ बल्ब। अब आपको पता चला कि बल्ब कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या इसके बाद टॉर्च भी बनाने की ख्वाहिश है? ऑफ कोर्स, हम तो बनाएंगे टॉर्च। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी थ्री। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक अ टॉर्च, आपने एक टॉर्च लेनी है एंड अ पीस ऑफ वायर, फिर से एक वायर ले लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द टू एंड्स ऑफ द वायर। अब आपने उस वायर की, या आपने वायर लिया था प्लास्टिक वायर, इसके इस एंड से भी आपको कवरिंग हटानी है, प्लास्टिक की इस एंड से भी हटानी है। ठीक है, दोनों एंड से हटा ली, सिर्फ एक वायर आपने लिया है। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज शोन इन द फिगर 9.7। इस फिगर में जो आपको दिखाया गया है, इसका एक बेस को आपको यहाँ पर आप जोड़ देना है। ठीक है, ये जो वाला जो वायर आपको मेटल वायर दिख रहा होगा, ये इस सेल से जोड़ देना है। उसके बाद जो दूसरा एंड है उसका, उसको बल्ब के टर्मिनल एंड से यहाँ पर बेस मेटलिक पार्ट से जोड़ देना है। अब इससे क्या होगा, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस टू द बल्ब दैट इट्स अदर टर्मिनल इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। डज द बल्ब ग्लो? क्या ऐसी सिचुएशन में बल्ब ग्लो करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। पहले की भी यही कुछ प्रॉब्लम है कि ऐसे अरेंजमेंट से बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। इसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि हमने इसका निगेटिव टर्मिनल उठा के उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, उसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, निगेटिव टू निगेटिव। लेकिन हमारा ये कब ग्लो करना था? जब हमने कंप्लीट सर्किट करना था। कंप्लीट सर्किट कैसे हुआ था कि जो हमारा सेल था, उस सेल का जो मेटालिक पार्ट था और जो पॉजिटिव टर्मिनल, वो उसके निगेटिव, जो निगेटिव टर्मिनल था वो बल्ब के पॉजिटिव टर्म, बल्ब यहाँ पे बल्ब था,
ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पे बल्ब का जो नेगेटिव पार्ट था और यहाँ पे सेल का नेगेटिव, उसके पॉजिटिव। जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब जाके वो बल्ब ग्लो करता है। तो आपने अलग अलग तरीके से करके देखा, इसको करने से समझ में क्या आया। इसको करने से हमें ये समझ में आया कि हमारा बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक एक सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा। नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base. अब हम अपने घर पे देखते हैं कि जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है और टॉर्च को ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। इतना सिंपल तो हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक लाइट के अंदर ऐसा क्या होता है? चलिए हम एक एक्टिविटी करके समझते हैं। हमने क्या करना है, एक्टिविटी फोर में हमने अपना सर्किट बनाना है। आपके पास पिन तो होगी ना, जो सेफ्टी पिन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी सेफ्टी पिन लेनी है, उसके एक एंड को आपने वायर से जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका कॉटन का, वुड का, किसी भी तरीके का आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। देन ए ड्रॉइंग पिन इनटू द रिंग ऑफ वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इनटू द थर्माकोल शीट एज शोन इन द फिगर। फिर आपको उसको यहाँ पे थर्माकोल शीट में यहाँ फिक्स कर देना है। उसका जो वायर है यहाँ पे, ये जो वायर आपने पिन से लगाया था, इस वायर को आप बल्ब का जो निगेटिव वाला पार्ट था, ये वैसे मेटालिक एंड, यहाँ पर आपको जोड़ देना है। फिर बल्ब का जो पॉजिटिव पार्ट था उसको यहाँ पर, जो सेल हमने लिया है, सेल के निगेटिव पार्ट से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ निगेटिव हुआ। फिर यहाँ पे ये वाला एंड पॉजिटिव था, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया। आगे हमने क्या करना है इसमें, ये हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अभी इनकम्प्लीट है। जब हम इस पार्ट को इधर जोड़ेंगे इस मेटल से जो पिन है, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच। जैसे ही आप इसको टच करेंगे यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों को आप टच करेंगे, बल्ब ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही आप इनको हटा देंगे यहाँ से, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारी टॉर्च के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि जब हम उसका जो स्विच है बल्ब, इसको दबाते हैं तो कहीं ना कहीं सर्किट ओपन हो जाता है। ठीक है, जब हमने इसका बटन दबाया तो सर्किट क्लोज हो जाता है और लाइट जलने लगती है, और जब हम इसका बटन बंद कर देते हैं तो हमारा सर्किट ओपन हो जाता है, जिससे लाइट बंद हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, जब आपका सर्किट ओपन होता है तो आपकी लाइट नहीं जलती, और जब आपका सर्किट क्लोज होता है, जिसको हम कंप्लीट सर्किट कहते हैं, तो आपकी लाइट जल जाती है। ठीक है, ये आपने सर्किट खुद से बना के देख लिया ना, इसी तरीके से अब हम टॉर्च के अंदर समझेंगे। यही तो होती है ना टॉर्च, और यहाँ पे होता है स्विच, जैसे हमें बंद ऑफ करना है। अब यहाँ पे हम सर्किट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये रही आपकी टॉर्च का अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बल्ब होता है यहाँ पे, ये होता है रिफ्लेक्टर, ये प्लास्टिक की कोसिंग होती है यहाँ पे। ये आप इस तरीके से देखें अगर, तो ये दो सेल हैं। ठीक है, एक सेल ये रहा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ये दूसरा सेल है, ये रहा आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल देन निगेटिव टर्मिनल। अब क्या होता है, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, इससे वायर जुड़ा हुआ है, ये जा रहा वायर यहाँ पर। ठीक, और ये इस तरीके से यहाँ स्विच बना है, ये रहा आपका स्विच, स्लाइड स्विच, जिसको हम दबाते हैं अपनी बैटरी टॉर्च में। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पॉजिटिव यहाँ बल्ब से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये दो सर्किट आपको, ये दो वायर जो है यहाँ आकर जुड़ रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसको दबा देते हैं तो ये जो होता है आपस में मिल जाता है और यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है। जब करंट फ्लो होता है तो बल्ब ग्लो करने लगता है। ओके, और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पे जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे बल्ब करंट फ्लो नहीं होता और उससे बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है हमारी टॉर्च का। अब यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन द टच विद द अदर ड्रॉइंग पिन। यहाँ पे जब आपने सर्किट बनाया था, ये आप कंप्लीट एक्टिविटी करेंगे तो आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा। अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस। ये जो स्विच की हम बात कर रहे हैं, स्लाइड स्विच, बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल सी डिवाइस होती है दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। या तो सर्किट को ब्रेक कर देती है फिर कंप्लीट करती है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो लाइट फ्लो करती है, वरना लाइट फ्लो नहीं करती। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ये क्या होते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इन ऑल आर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। जितनी भी हमने आप लास्ट एक्टिविटीज़ करी, हमने देखा कि हम मेटल का वायर यूज़ कर रहे हैं। सपोज वी यूज कॉटन थ्रेड, अगर हम कॉटन थ्रेड करेंगे तो क्या ये चलेगा? चलिए शुरू करते हैं कॉटन थ्रेड बनाते हैं। देखें, ये हमने एक नॉर्मल सा सर्किट बनाया, इसको तो आप समझ ही गए हैं सर्किट को। यहाँ पे बल्ब यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं। अब हमने मेटल की एक जो की होती है, चाबी, उससे जोड़ा, तो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है ना। चले आगे देखते हैं।
अब हमने क्या करना है, इस की जगह आपको कुछ धागा आपके पास या कुछ ऐसा वुड का कुछ यूज़ कर लेना। इसको जब आप ट्राई करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, चलें देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कोर्क, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक स्केल्स, वुडन ब्लॉक, एलुमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल। इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल आपको कलेक्ट करने हैं और इस सर्किट में आप लगा लगा के देखते रहिए कहाँ कहाँ पर लाइट जल रही है। तो जब आप रबर या फिर ग्लास या फिर आप प्लास्टिक स्केल, वुडन, एलुमिनियम फॉयल इस तरह की चीज़ें लेंगे, सॉरी एलुमिनियम फॉयल नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कैंडल, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जब आप कॉइन लेंगे या फिर पिन लेंगे, एलुमिनियम फॉयल लेंगे, तो तब आपका करंट फ्लो करने लगेगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों पर करंट फ्लो कर रहा है और कुछ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा ये ध्यान रख लेना कि ये जो वायर है ना, दोनों आपस में टच ना कर जाएं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि पूरी लिस्ट बना लेनी है कि जो की थी किस चीज़ की बनी हुई थी, मेटल की। बल्ब ग्लो किया था, यस। इरेजर किस चीज़ की बनी है, रबर की। बल्ब ग्लो किया, नहीं। स्केल आपकी प्लास्टिक की, प्लास्टिक वाली स्केल आपने यूज़ की थी, तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। मैच स्टिक में भी नहीं करेगा, वो वुड की बनी होती है। ग्लास बैंगल में नहीं करेगा, ठीक है। आयरन नेल्स मेटल का होता है, इसमें करेगा। अब ये कुछ चीज़ें जो बल्ब को ग्लो करा रही हैं, बेसिकली उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर करंट फ्लो होता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल्स विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ मटेरियल जो अलाउ नहीं कर रहे करंट को पास होने के लिए, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ओके, नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कंडक्टर से तो हम करंट पास कराएंगे और इंसुलेटर को हम यूज़ करेंगे बाहर की चीज़ें बनाने में। जैसे हमने टॉर्च के लिए अंदर तो लगाई सेल ताकि करंट फ्लो हो और बाहर लगाया स्विच, वो स्विच था इंसुलेटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स, ये सारे हमारे इंसुलेटर के बने होते हैं। तभी तो हम उठा के अपना चार्जर लगा देते हैं और उसमें लाइट आने लगती है। तो अंदर के वायर में तो करंट जा रहा है, अगर बाहर के वायर जो बाहर का सॉकेट से अगर वो भी हम कंडक्टर्स का बना लें तो पूरे के पूरे सॉकेट में आपके लाइट आने लगेगी, तो आप कैसे चार्जर फिट करेंगे। तो आपके जो वायर्स अंदर के होते हैं उनके वो कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन जो बाहर की प्लास्टिक कवरिंग करते हैं हम, वो इंसुलेटर्स होते हैं ताकि हम उठा के चार्जर लगा दें और मोबाइल या वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपनी वो चार्ज कर लें। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग, टॉप, स्विचेस, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बॉडी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो प्लीज़ जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस से यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों को या तो आप प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ कर लें या फिर वुड का यूज़ करें, अपने हाथों से डायरेक्ट चीज़ों को टच ना करें, उससे आपको करंट लग सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। एक इलेक्ट्रिक सेल में निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है और ये टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है जब करंट पास होता है उससे और सर्किट कंप्लीट होता है। एक क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। स्विच इज सिंपल डिवाइस होती है जो अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो लाइट ग्लो नहीं जाती, बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं और जो मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको स्विच। इलेक्ट्रिक सर्किट सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ये आप देखें। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यस। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स, जूट स्ट्रिंग, क्या आप जूट की स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स नॉट, वो तो हमें पता चल गया कि जूट स्ट्रिंग जो है वो आपका इंसुलेटर है, वो कंडक्टर तो है नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी नहीं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे और यहाँ पर आप ट्रू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल, नहीं नहीं थर्मोकोल से पास नहीं कर सकती, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट, यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ तो हमने मेटल वायर लगा दिया लेकिन यहाँ तो हमने प्लास्टिक लगाया ना, तो ये तो इंसुलेटर हुआ, तो इस वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करा। ओके, ये आपके इलेक्ट्रिक स्विच ये सब पूछा गया, बहुत ईजी है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।